फ्रेंड्स, तो मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करना है और कब करना है, तो इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताने जा रही हूँ। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तो आपको क्या करना चाहिए, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ निदा। अब बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी लेडी के पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम यानी कि लक्षण यानी कि संकेत माना जाता है। तो आपके अगर पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। देखिए, पीरियड्स मिस होने के अलावा और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता होने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स जो मिस होते हैं उसके काफ़ी सारे और कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हों। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको पीरियड आएगा, क्योंकि कभी कभी पीरियड जो लेट हो जाते हैं वो उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देते हैं। पीरियड मिस होने से पहले आपको सबसे पहले हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन। देखिए, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होने के कारण आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी लेडीज़ को लूज मोशन और बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये दो जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो किसी को लूज मोशन हो सकते हैं और किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सिम्टम आपको हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। ये सभी में होता है, लेकिन इसमें क्या रीज़न, इसमें क्या है कि किसी को बहुत शुरू में हो जाता है और किसी को बहुत बाद में होता है। अब क्या हो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ये भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको पीरियड्स आ गया है या फिर उनको ये होता है कि उन्हें पीरियड्स आ गया है। होता क्या है, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग का मतलब ये है कि आपको हल्का सा ब्लड आएगा और रुक जाएगा, वो पीरियड्स के टाइम पर आपको आता है, पीरियड से दो दिन पहले आपको आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जो स्पॉटिंग होती है उसको आपको पहचानना है। हो सकता है आपकी ब्लीडिंग पीरियड वाली हो, क्योंकि पीरियड में भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में हल्की सी स्पॉटिंग होती है, अगले दिन से पीरियड स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये 24 आवर्स में मतलब थोड़ी देर के लिए आता है और रुक जाता है। इसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका कलर पीरियड के कलर से बिल्कुल अलग होता है, इसमें क्लोट्स नहीं आते हैं और इसमें आपको कोई भी पेट में या कमर में दर्द नहीं होता है जब ये वाली स्पॉटिंग होती है, और ये 1 से 2 घंटे में होकर ख़त्म हो जाती है। स्पॉटिंग होती है, इसमें पैड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा जब पीरियड आता है तो पीरियड वाला आपको पता है कि आपके कमर में भी दर्द होता है, आपके पैरों में भी दर्द होता है, पीरियड्स में क्लोट्स भी आते हैं, पीरियड्स का ब्लड कलर अलग होता है। तो इन चीज़ों से और पीरियड्स लगातार आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आपको पीरियड्स आएंगे या फिर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम होता है ब्रेस्ट में चेंजेस। आपके ब्रेस्ट में भारीपन, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है, ये प्रेगनेंसी के सबसे शुरुआती लक्षण हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं, आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं और ये सारे सिम्टम्स, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर लगाइए। अब प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात की जाए तो आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे, आपके पीरियड्स की जो भी डेट है एक्सपेक्टेड पीरियड डेट पर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, तो उस दिन के बाद आपको 5 दिन का वेट ज़रूर करना चाहिए। 5 दिन का वेट करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपकी पीरियड जो हैं, देखिए, शुरुआती दिनों में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने का रीज़न ये है कि आपके अंदर एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोरोट्रोपिन। ये हार्मोन शुरुआती दिनों में इतना कम होता है कि आपकी जो किट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है। देखिए, किट में जो आप डिटेक्ट करते हैं वो सिर्फ HCG को डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेती हैं तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है, यानी कि आपका अगर 5 तारीख को पीरियड आते हैं तो आपको 5 दिन का वेट करने के बाद, यानी कि आपको 10 तारीख को आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। 5 दिन का वेट ज़रूर करें। आपको जब 5 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएंगे, आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है, यानी कि जब आप सुबह उठती हैं उसी यूरिन से आपको टेस्ट लगाना है।
दूसरी चीज़, आपको जो भी जब भी किट लेकर आएँ, किट की आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। तीसरी चीज़, आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल जब भी टेस्ट लगाएं, आपको किसी भी साफ़ चीज़ में, मतलब जिसमें भी आपको यूरिन सैंपल लेना है, वो उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, एक किट लेनी है, किट में 2 से 3 ड्रॉप लेनी है और यूरिन की उसमें डाल देनी है। उसमें जैसे आप डालती हैं तो उसमें 2 से 3 मिनट का आपको वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद उसमें अगर 2 पिंक लाइन शो हो रही हैं तो इसका मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर 1 पिंक लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, एक लाइन डार्क और एक लाइन बहुत ज़्यादा हल्की शो होती है, जिसमें आपको क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है वीकली पॉजिटिव, आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन आपका जो HCG का लेवल है वो बहुत कम है। ऐसे में आपको 5 दिन का और वेट करके दोबारा टेस्ट लगा लेना चाहिए। फिर भी नेगेटिव आए तो आपको लैब से जा करके beta HCG टेस्ट करा लेना चाहिए, या आपके ब्लड से होता है, इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जो बेबी है वो जो यूट्रस है, यूट्रस की जगह आपकी किसी और जगह यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में वो ग्रो करने लगता है, तो आपकी जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव आता है, आपके पीरियड्स भी नहीं आते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। तो ऐसे में आपको TVS स्कैन करा लेना चाहिए, ट्रांसवेजाइनल स्कैन। इसमें क्या होता है, आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का इसमें पता लग जाता है और आप कंफर्म कर सकती हैं आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।